हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल के ऊपर। और आज हम बात करेंगे, कल जो हमने एनालिसिस किया था, यानी कि परसों जो एनालिसिस किया था, यानी कि वीकेंड के ऊपर, और उस एनालिसिस में हमने एक चर्चा की थी आपके साथ कि एक रेंज में बाजार की हम उम्मीद कर रहे हैं हफ्ते भर के लिए। लेकिन यहाँ पर आज भी अगर हम बात करें तो जो हमने कल आपके साथ चर्चा की थी कि बाजार नीचे आए तो बाइंग बनती है, ऊपर जाए तो सेल बनती है, और बाज़ार ने आज दिन भर यही किया। हालांकि जहां पर बाज़ार खुले थे उसके ऊपर जो है मात्र 3 पॉइंट ऊपर बंद हुए, तो बाज़ार आज सुबह खुले 19525 पर, यानी कि निफ्टी कहां पर खुला 19525 के ऊपर। और वहां पर खुलने के बाद तुरंत थोड़ी ही देर के अंदर, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर, और ये देखिएगा स्क्रीन पर, और यहाँ पे तकरीबन 11 बजे के आसपास आज जो है बाजार अपने लो भी लगा देते हैं। उसके बाद फिर एक रिकवरी होती है और फिर दिन भर एक रेंज बाउंड ट्रेड रहते हैं। फिर ऊपर नीचे के बाद जो है तकरीबन 2:45 बजे के बाद एक अच्छा राइज जो है निफ्टी स्टॉक्स में आता है, और वहाँ पर जो है फिर बाजार ऊपरी लेवल पर बंद होते हैं। तो कुल मिलाकर जहाँ पर बाजार खुले थे वहाँ से और जो बाजार बंद होने के बीच का दायरा वो खाली 3 पॉइंट का है। तो कुल मिलाकर जब बाजार आज नीचे गया तो वहाँ पे बाइंग आई, ऊपरी लेवल पर सेलिंग थी, लेकिन एंड में बाजार जो है पॉजिटिव नोट के साथ ही बंद हुआ। बाजार का फ्लेवर क्या है? बाजार का फ्लेवर चल रहा है अभी स्मॉल कैप एंड मिड कैप शेयर्स, और स्मॉल कैप और मिड कैप शेयर्स में देखिएगा जो अभी रैली चल रही है वो मुझे लगता है अभी थोड़ी सी और चलेगी, और बाजार जो जो हमारे लार्ज कैप हैं या इंडेक्स हैं वो भी अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि जो बाजार है जिसमें निफ्टी, बैंक निफ्टी या सेंसेक्स की बात करें, वो मुझे अभी भी रेंज में ही चलते हुए नज़र आ रहे हैं। अब निफ्टी की बात करें तो 19528 पर आया है। अब एक अहम रेजिस्टेंस के पास शायद हो सकता है कि कल ही वो दायरा आपको देखने के लिए मिल जाए। तो जो दायरा है हमारा 19630 के आसपास, जहां पर एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस हम उम्मीद कर रहे हैं कि यहां पर बनेगा, और ये हमने पहले भी आपके साथ चर्चा की थी। अब 19630 के आसपास बाजार बढ़ सकता है, और 19630 के आसपास जैसे ही बाजार आएगा वहां पर एक सेलिंग की उम्मीद है। तो यानी कि जो सेल ऑन राइज है वो आपको फिर जो है देखने के लिए मिलेगा। अगर बाजार नीचे की तरफ अगर आता है तो जो आज के अगर हम पिछले दिन के जो लोज हैं 19435, तो यहाँ पर अगर इसके आसपास आता है, यानी कि 19400 के बीच में, तो इसके बीच में जो है एक बाइंग हमें एमर्ज होती हुई नज़र आनी चाहिए। अगर किसी भी तरफ बाजार तोड़ता है 19630 के तो टूटने की संभावना मुझे नहीं लगती कल, और मुझे 19400 के भी टूटने की संभावना नहीं लगती। मुझे लगता है इस रेंज में ही बाजार चलेगा और अभी भी एक रेंज बाउंड ट्रेड रहेगा। लेकिन कल के जो ट्रेड्स हैं, ये जो दायरे हैं, ये मात्र 2:30 बजे तक के हैं। 2:30 बजे के बाद कुछ भी जो अगर बाजार ऊपर है तो नीचे आने की बहुत अच्छी संभावना रहेगी, नीचे रहा तो बीच में आके सेटल होने की संभावना रहेगी। बट मुझे लगता है कि अगर बाजार ऊपर की तरफ रहा तो एक अच्छी खासी सेलिंग आपको 2:30 बजे के आसपास या उसके बाद जो है देखने के लिए मिल सकती है। रीज़न है कल फाइनेंशियल निफ्टी की एक्सपायरी और अब बैंक निफ्टी की भी एक्सपायरी बुधवार को है, तो 2.5 दिन की तेजी के बाद, यानी कि 2 दिन तो हो चुकी है और मुझे लगता है आधे दिन की और होनी चाहिए, और 2.5 दिन की तेजी के बाद बाजार ऊपरी लेवल से सेलिंग प्रेशर दिखाए, ऐसा हम एंटिसिपेट कर रहे हैं। लेकिन अगर बाजार कल सुबह ही माइनस हो जाए तो फिर हमें ये लगता है कि दिन में जो है पुल बैक कर सकता है, और पुल बैक करने के बाद शाम को फिर नीचे आ सकता है। तो कुल मिलाकर हमें ये लगता है कि जो शाम का समय है कल, यानी कि जो दोपहर के बाद का समय है, वो 2 बजे 2:30 बजे, उसके बाद जो है वहाँ पर एक सेलिंग आनी चाहिए। अगर बाजार सुबह माइनस चला भी जाता है तो मुझे लगता है कि दिन में एक बार पुल बैक करेगा, और फिर पुल बैक करने के बाद ऊपर से सेलिंग आएगी, यानी कि बाय ऑन डिप्स सेल ऑन राइज यही रहने वाला है, लेकिन ये मात्र 2:30 बजे तक, और 2:30 बजे के बाद जो है बाजार एक किसी भी एक डायरेक्शन को पकड़ लेता है, और कल के लिए हो सकता है कि जब ऊपर बाजार रहे तो एक सेलिंग आपको देखने के लिए मिले। आज की अगर हम कैंडल्स की बात करें
तो अगर आज की कैंडल की बात करें तो निफ्टी ने उस दायरे में आके क्लोज दिया है जहां पर कि वो अगले पड़ाव की तरफ बढ़ सकता है, जो मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ 19630 है, और वहां पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो है बाजार देखने के लिए तैयार रहेगा, और वहां से एक अच्छी खासी सेलिंग भी आपको देखने के लिए मिल सकती है। तो बाजार में अभी क्या है कि स्मॉल कैप और मिड कैप फ्लेवर में है, और मुझे यहाँ लग रहा है कि जो स्मॉल कैप और मिड कैप में एक या दो सेक्टर को छोड़ दें जहाँ पे वैल्यूएशन सभी भी रीजनेबल है, तो मोस्टली जो सेक्टर्स हैं वहाँ पर एक सेलिंग देखने के लिए मिल सकती है, क्योंकि केमिकल जो सेक्टर है वहाँ पे थोड़ा सा प्राइस रिवाइवल आया और केमिकल सेक्टर्स में काफ़ी बड़ी करेक्शन हम देख चुके हैं, तो वहाँ पर मुझे लगता है कि थोड़ा सा रिलीफ हो सकता है। दूसरा जो रिलीफ है वो है पेपर स्टॉक्स में। पेपर स्टॉक्स में अभी भी वैल्यूएशंस बहुत रीजनेबल हैं और कुछ पेपर शेयर्स अभी भी बहुत अच्छी तरीके से तेजी कर रहे हैं। हमारे पिछले एक डेढ़ महीने से हम जिन पेपर स्टॉक्स में हम काफ़ी बुलिश थे वहाँ पर एक अच्छी खासी रिटर्न्स भी हमें देखने के लिए मिली है, और जो हमारा स्टॉक फॉर द मंथ था पीछे एक महीने पहले वो भी हमारा पेपर स्टॉक ही था, और उस शेयर्स में भी तकरीबन 25-28% की तेजी हम देख चुके हैं, और अभी भी मुझे लगता है कि पेपर स्टॉक्स जो है अभी भी काफ़ी अंडरवैल्यूड हैं और उसमें एक अच्छा पोटेंशियल वहां पर बनता हुआ नज़र आ सकता है अभी भी कल के ट्रेड के अंदर भी। और जहां तक पोजिशनल बेसिस पर भी बात करें तो कैश फ्लोज देखें या वहाँ पर रिटर्न रेशियोज देखें, तो मुझे लगता है कि अभी भी जो कुछ सिलेक्टिवली केमिकल स्टॉक्स, क्योंकि काफ़ी बीटन डाउन हो चुके हैं कुछ जगह पर वहाँ पर, और दूसरा जो मेरा फेवरेट है अभी हाल फिलहाल में जहाँ पर हमें डीपली वैल्यूएशंस नज़र आ सकती हैं, तो वहाँ पर आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसी कंपनी जो डेट फ्री हैं या जहाँ पर रिटर्न ऑन इक्विटी बेहतर है, पी रेशोज नीचे की तरफ हैं, कैश फ्लोज काफ़ी बढ़िया हैं, बेहतरीन हैं, पॉजिटिव हैं, और बिजनेस मॉडल जो है वो दमदार है। और देखिएगा पेपर स्टॉक्स में एक सबसे खास बात ये होती है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो है पेपर स्टॉक्स हैं, कोई ये ऐसे पेपर्स हैं जहाँ पे ब्रांडिंग बहुत जबरदस्त है, कुछ जगह पर ऐसा है कि जहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़्यादा है पेपर स्टॉक्स में, कुछ ऐसी कंपनीज भी हैं पेपर्स में जिनकी इंट्रेंसिंग वैल्यू बहुत कम है, कुछ जगह पर आपको पेपर स्टॉक्स ऐसे मिलेंगे कंपनियां तो छोटी हैं, मैनेजमेंट काफ़ी बेहतरीन है या डेट फ्री कंपनीज हैं, तो वहाँ पर मुझे लगता है कि एक ऐसा सेक्टर जहाँ पर अभी भी थोड़ी वैल्यू हमें बचती हुई नज़र आ रही है। और थोड़ी क्या, अगर आप थोड़ा सा लंबा समय का नज़रिया रखें, मतलब 1-2 साल का, तो आपको ऐसे पेपर स्टॉक्स भी मिल सकते हैं जहाँ पर कि 50% से लेकर 150% तक की रिटर्न्स आने वाले समय में मिल सकती है। तो ये हमारे को लगता है कि एक सेक्टर ये है, और सिलेक्टिवली केमिकल स्टॉक्स जहाँ पर कि ऐसे केमिकल स्टॉक्स जहाँ पर एंट्री बैरियर्स हैं और जहाँ पर इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूट हैं जो ना केवल इंडिया के लिए बल्कि चाइना के लिए भी, तो ऐसे जो स्टॉक्स हैं वहाँ पर जो है नज़र बनाई जा सकती है। अगर हम बात करें कि आज बाजार में क्या रहा, आज बाजार में देखिएगा इन्फोसिस, SCL टेक और TCS, मुझे याद है मैंने तकरीबन 1-1.5 महीने पहले आपके साथ ये चर्चा की थी और मैंने कहा था कि देखिएगा आप कुछ भी बेचिए लेकिन अब IT मत बेचिए, और IT में मैं अभी भी मानता हूँ कि जो तीसरा सेक्टर, अगर लार्ज कैप के अंदर, मैं मिड कैप में नहीं बात कर रहा, मिड कैप के अंदर जो IT स्टॉक्स हैं वो मुझे लगता है फुली वैल्यूड है। बेशक से पूरा बाजार उनके ऊपर बहुत बुलिश है, बट मुझे लगता है कि वैल्यू अगर अभी भी कहीं पर है IT पैक में, तो वो इन्फोसिस या जो TCS जैसे शेयर्स हैं रिस्क रिवार्ड के एंगल से, वहाँ पर टाटा ग्रुप के 1-2 शेयर्स और भी हैं जहाँ पर IT स्पेस के अंदर, वहाँ पर भी थोड़ी वैल्यू आपको दिख सकती है। मुझे लगता है कि जो TCS है या जो इन्फोसिस है ये बाजार को सहारा क्यों दे रहे हैं, क्योंकि इनके अंदर जो मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो अर्निंग्स हैं उसके सामने जो एंटिसिपेशन बनाया गया था कि बहुत ख़राब हो जाएंगे, उतना ख़राब नहीं हुए हैं, और अब बाजार को ये बात समझ में आ रही है कि भाई ठीक है इनको बहुत ज़्यादा पीट दिया गया था। और सबसे खास बात है कि जब बाजार में चारों तरफ इंडेक्स के लेवल पे सेलिंग हो रही है तो बॉटम फिशिंग स्टॉक्स कौन से बचते हैं, तो IT स्टॉक्स बचते हैं, तो आज उन्हीं में दम जो है देखने के लिए मिला। वहीं पर अगर हम बात करें तो बैंकिंग स्टॉक्स में भी देखिएगा जो बीटन डाउन शेयर्स हैं इंडेक्स के वही आज बाजार को बचा रहे थे, तो बैंकों में भी HDFC बैंक ही ऐसा शेयर है जिसने परफॉर्म नहीं किया। इसके अलावा एक कोटक बैंक है, हालांकि कोटक बैंक आज जो है माइनस से बंद हुआ, वो उदय कोटक जी की जो
आप ये कह सकते हैं कि एक वॉलेंट्री जो उन्होंने रिटायरमेंट ले लिए 3 महीने पहले, जबकि उनका भी 3 साढ़े 3 महीने का जो है कार्यकाल बचा हुआ था, उसके से पहले जो उन्होंने ले लिए जो अपने रिटायरमेंट, अब उसमें भी देखिएगा। एक और सबसे खास बात बताता हूँ, जो कोटक बैंक है वो आज शेयर, बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं उन्होंने कमेंट भी किया था, सर हम तो बुलिश हैं कोटक महिंद्रा बैंक में, रीजन कि उदय कोटक जी ने रिजाइन किया, तो जो भी सक्सेशन प्लान है वो फ्रूटफुल तरीके से जो है कोटक बैंक लगा देगा। देखिएगा, मैं एज ए डिस्क्लोजर, क्योंकि कोटक महिंद्रा बैंक में मेरी पर्सनल होल्डिंग भी है, और आप ये सोचें कि भाई सर इसलिए तारीफ कर रहे हैं कि भाई सर के पास है, ऐसा नहीं है, पर मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं क्लियर पिक्चर आपके साथ पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। वो ये है कि देखिए, कोटक महिंद्रा बैंक में जब उदय कोटक जी ने रिटायरमेंट का जो है ये पूरा प्लान जो है मीडिया में दिया या आपके पास जब सूचना पहुंची, तो उसमें एक चीज़ बड़ी मिसिंग थी। वो मिसिंग ये थी कि आगे जो मैनेजमेंट आएगी वो कहाँ से आएगी। देखिएगा, 3 चॉइस है। पहली चॉइस है कि कंपनी किसी ऐसे व्यक्ति को CMD बना दे, यानी कि चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर बना दे, जो कि इस बैंकिंग सेक्टर का दिग्गज है। वो किसी आज की डेट में किसी बहुत बड़े बैंक में किसी बहुत बड़ी सीनियर पोजीशंस के ऊपर काम करने, चाहे वो मल्टीनेशनल बैंक्स हो सकते हैं, वो गोल्डमैन सैक हो सकते हैं, या JP Morgan हो सकता है, मॉर्गन स्टैनली हो सकता है, या बैंक ऑफ अमेरिका हो सकता है, या इसके अलावा HSBC बैंक, इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशंस में जो लोग काम कर रहे हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, वहाँ से कोई आ जाए, या इंडिया के जो दूसरे सेम लाइन के बैंक्स हैं, या ICICI बैंक के, या HDFC बैंक के, उनकी जो टॉप मैनेजमेंट है वहाँ से कोई हायर कर लें, या और कोई प्रोफेशनल्स जो सेम फाइनेंशियल्स में काम कर रहे हो और जिनका बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा हो सकता है कि कोटक महिंद्रा बैंक अपने बोर्ड के अंदर उसको CMD बना दे। तो ये तो है पहली परिस्थिति, लेकिन मैनेजमेंट की तरफ से इस बारे में भी कुछ भी नहीं आया है। दूसरा चांस है कि जो कंपनी के अंदर ही जो टॉप मैनेजमेंट है, जो सीधा सीधा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में थी और उदय कोटक जी के साथ काम कर रही थी, तो उदय कोटक जी उसमें से किसी एक को सिलेक्ट कर लें और वो उसको आगे चल के CMD बना दिया जाए, फिर RBI की परमिशन ले ली जाए। और तीसरी जो इम्पोर्टेंट बात है कि भाई जो उनके सन है, यानी कि उदय कोटक जी के जय कोटक, उनको CMD बना दिया जाए। तो देखिएगा, मुझे ये लग रहा है कि अभी ही कोटक महिंद्रा बैंक की मैनेजमेंट ने एक वाटर टेस्टिंग की है कि भाई उदय कोटक जी ने अगर स्टेप डाउन कर दिया है तो बाजार क्या रिएक्ट कर रही है। बाजार ने कुछ रिएक्शन किया नहीं, 10-12 रुपये शेयर का प्राइस टूटा। अब यहाँ पर जो सिचुएशन निकल कर आती है वो क्या निकल कर आती है, वो सिचुएशन निकल कर ये आती है कि कोटक महिंद्रा बैंक टेस्टिंग कर रहा है कि अगर शेयर का भाव ज़्यादा नहीं टूटा और फिर एक सुगबुगाहट बाजार में, एक रूमर्स, मतलब बैंक की तरफ से नहीं आए, एक रूमर्स फैलाने की कोशिश की जाए कि भाई जय कोटक जो है बैंक में है। देखिएगा, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है और वो आपने खड़ा किया है और उसमें आपकी 25% होल्डिंग है, तो आप चाहेंगे कि भाई आपके जो बच्चे हैं वो जो आके CMD बने। हालांकि एक रेगुलेटेड बिजनेस है, जैसे आप रिलायंस में जो बाकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो अपने बच्चों को सब जो प्रोफेशनल डायरेक्टरशिप ना होके एक फैमिली वाली डायरेक्टरशिप आ जाती है, और ये जो फैमिली वाली जो जो फैमिली के जो मेंबर्स हैं वो अगर हेड होते हैं, यानी कि जो प्रमोटर्स की फैमिली है, तो वो रेगुलेटेड बिजनेस में थोड़ा सा चिंता की बात हो सकती है। तो ये एक सुगबुगाहट हो सकती है कि बाजार में, तो उसके बाद शेयर प्राइस में क्या रिएक्शन होगा। अगर उसके बाद भी शेयर प्राइस नहीं टूटता हुआ नजर आया, या शेयर प्राइस में कोई जो है बड़ा मेजर चेंज नहीं आया, तो हो सकता है कोटक महिंद्रा बैंक जय कोटक जी को CMD बना दे। लेकिन अगर उसके बाद एक रिएक्शन आ जाता है, नेगेटिव रिएक्शन, तो मुझे ये लगता है कि फिर मैनेजमेंट जो फर्स्ट ऑप्शन है या सेकंड ऑप्शन, तो उसकी तरफ देख सकती है। ये काफ़ी ब्राइट चांस मुझे लगते हैं। तो अभी वाटर टेस्टिंग होगी, इसीलिए जो सक्सेशन प्लान है उसके बारे में भी कुछ सूचना नहीं आई है। लेकिन अगर पहली चीज़ होती है कि आउट ऑफ द बैंक आप देखें कि भाई विद इन द बैंक देखें या बैंक के बाहर देखें, अगर बैंक के बाहर से आप किसी प्रोफेशनल को लाते हैं तो भी वो पॉजिटिव रहेगा।
दूसरा अगर विदिन द बैंक अगर आप लेते हैं वो भी बड़ा पॉजिटिव रहेगा, लेकिन विदिन द बैंक अगर आप फैमिली जो प्रमोटर्स की फैमिली उसमें से किसी को सीएमडी बनाते हैं तो वो शायद बाजार को पसंद ना आए, तो लेकिन अभी इसमें वाटर टेस्टिंग होगी। अब बात करते हैं कोटक महिंद्रा बैंक के शेयर प्राइस के बारे में। मुझे लगता है कि कोटक महिंद्रा बैंक के जो शेयर प्राइस है अभी हाल फिलहाल में जो प्राइस है, कोई भी डायरेक्टर बने 1 2 3 कोई भी चॉइस हो, लेकिन रिस्क रिवार्ड के एंगल से कोटक महिंद्रा बैंक का शेयर अगर आपका होरिजन थोड़ा सा लॉन्ग टर्म है तो मुझे लगता है कि इस शेयर में ज़्यादा से ज़्यादा 100 से 150 रुपये तक की डाउनसाइड हो रहा है, यानी कि 5-7% की। और लॉन्ग टर्म के अंदर मुझे लगता है कि एक जो पोटेंशियल है रिस्क रिवार्ड के एंगल से वो काफ़ी फेवरेबल है आज की डेट में। अब हम बात करते हैं टाटा स्टील में आज तेजी रही, आईटीसी, बजाज फाइनेंस, महिंद्रा एंड महिंद्रा और एक्सिस बैंक जैसे शेयर्स आज गिरावट के साथ काम कर रहे थे, और नेस्ले में भी गिरावट रही। अभी आप इस वीडियो को एंजॉय करिए, फिर बैंकिंग स्टॉक्स जो बाकी मार्केट का एनालिसिस है आपको दूसरी वीडियो में आपके साथ शेयर करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।